एक्सेप्टिंग अनरियलिस्टिक डेडलाइंस, ये भी एक प्रॉब्लम, उसमें टाइम जाता है। अनरियलिस्टिक डेडलाइंस का मतलब क्या हो गया कि आपको मालूम है कि ये काम इतने में होने वाला नहीं है ये समय में, और तभी भी आप उसको स्वीकार कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। मैंने आपको बोला कि भाई राहुल तुमको ये काम कल 3 बजे तक करने का है और कल 3 बजे तक ये काम करो, आपने बोला हाँ, और आपको ये मालूम नहीं कि कल 3 बजे तक ये काम होता नहीं, आपने हाँ बोल दिया, काम कर रहे, टेंशन में आ रहे, जितना तुमको ज्यादा टेंशन है उतना काम तुम्हारा होगा नहीं, उतने तुम दुर्दूस, क्योंकि टेंशन जितना रहा उतना प्रॉब्लम, टेंशन जहां जहां है वहां वहां प्रॉब्लम आ जाएगा। देखो कोई व्यक्ति इंटरव्यू के लिए गया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल इंटरव्यू के लिए एक व्यक्ति गया हुआ है, उसको ये पता है कि इंटरव्यू मेरे को बेस्ट देने का है और मैं इंटरव्यू देने के लिए जा रहा हूँ और मुझे बहुत अच्छा नॉलेज है और मैं नॉलेज बताने के लिए जा रहा हूँ, मेरा नॉलेज वो परखेंगे देखेंगे, मेरे को अच्छा नॉलेज है और जो होगा वो होगा। एक व्यक्ति उसके लिए जा रहा है इंटरव्यू के लिए, और दूसरा व्यक्ति इसके लिए जा रहा है कि मुझे नौकरी मिलेगी, नौकरी नहीं मिली तो क्या होगा, और उसको पूरा सारा दुनिया का टेंशन है कि नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, वो सवाल क्या करेंगे, वो मेरे को आएंगे नहीं तो क्या होगा, वो अच्छा दिखेगा नहीं, लोग बोलेंगे तू इंटरव्यू को गया था वहां तेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा, ऐसे बहुत सारे ढेर सारे सवाल उसके दिमाग में चालू है और वो अभी इंटरव्यू के लिए अंदर गए। और पहले वाला जो है वो गया बोले मेरे को तो इंटरव्यू देने का है, सिलेक्शन हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो ठीक है, मेरे पास में इतनी सारी डिग्री है, इतना सारा नॉलेज है, ये कंपनी है तो और कोई कंपनी सिलेक्ट कर लेगी, चांस किसका है सिलेक्शन होने का, डेफिनेटली पहले वाले का जिसको टेंशन ही नहीं। तो अनरियलिस्टिक डेडलाइन में क्या होता है कि टेंशन जहां जहां है वहां वहां आपका काम होगा नहीं, नहीं तो फिर वहां काम फिसल जाएगा, काम क्वालिटी वर्क नहीं होगा और प्रॉब्लम उसमें आ जाएगा।